फैन एक्चुअली क्या है ना कि रिकॉर्ड पे स्टार्ट है ना, स्टार्ट है ना, गुड। आवाज ज्यादा करता है एक्चुअली रिकॉर्डिंग, तो समझ जाएगा यहाँ पर। अभी स्टार्ट हो रहा क्या? चलिए कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करें दोस्तों। तो ये हम लोग देख लिए थे, तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिना देर के वो चलते हैं क्वेश्चन पर। हम लोग क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो मोबाइल में देखेगा उसको दिख रहा होगा ना, आपको यहाँ पर देखना होगा। ये कह रहा कि ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। बहुत सिंपली समझिएगा, ए और बी किसी काम को 30 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। सिंपल, तो 30 और 20 कैल्शियम निकालो कितना आ जाएगा, 60। ऐसे समझिए, तो 30 दुनी के 60 और ये 20 थी 60। दोस्तों ये दो और तीन को क्या बोलेंगे हम लोग, एफिशिएंसी बोलेंगे, राइट। यही एफिशिएंसी हुआ। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, प्रतिदिन का आपका वर्क कितना है, पर डे का डोज कितना है। जैसे मैंने कल समझाया था कि अगर 20 और 30 कैल्शियम निकालते हैं 60 आएगा, और यह 60 अगर आपका टोटल वर्क हुआ, मान लीजिए कि आपको 60 पेज दिया टाइप करने के लिए एक हो, तो यह 30 दिन में टाइप करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि पर डे कितना टाइप करेगा, दो पेज। अगर मैं यही 60 पेज देता हूँ बी को, तो यह समय कितना लेता है, 20 दिन का समय लेता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पर डे कितना टाइप करेगा, 3 पेज। तो पर डे का जो कार्य क्षमता होती है, पर डे का जो हिसाब होता है, इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, एफिशिएंसी बोलते हैं। तो देखो दो और तीन पाँच, तो पूछेगा आपसे टाइम कितना लगेगा दोस्तों। तो ए टाइप करता है दो पेज और बी टाइप करता है 3 पेज, तो एक दिन में कितना पेज टाइप होगा, 5 पेज। तो 60 को डिवाइड करो कितना से, 5 से, यह 12 दिन का समय लगेगा। याद रखना हमेशा कि वर्क बाय एफिशिएंसी, इसको क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा। इसी पर बेस्ड सारा क्वेश्चन बनेगा आपका। वर्क बाय एफिशिएंसी इक्वल टू टाइम, या वर्क बाय टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको बनाने में का कुछ समय लगाने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, ठीक है दोस्तों। तो आप देखेंगे यहाँ पर 20 इंटू 30 बटे 20, 30 कितना हो जाएगा, 50। ट्रिकी वाला मेथड से, तो कट गया आपका, 5 के 20, 4 3 12, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 12 दिन। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। सेकंड कह रहा है कि देखो ए बी और सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिनों पूरा कर सकते हैं। ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। तो दोनों मिल सर तीनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। सिंपली आप ऐसा करते हैं, ये सब क्वेश्चन बताना ही नहीं है हम लोग को, लेकिन शुरुआत में कर रहा हूँ तो कोशिश करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए इससे अच्छे से। देखिएगा ए बी और सी किसी काम को 12 दिन, 15 दिन और या 20 दिन पूरा करते हैं। तो 12, 15, 20 कैल्शियम निकालो कितना आएगा दोस्त, 60 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 12 बजे 60 और यह 15 जो 60 और यह 20 दिया 60। सिंपली देखो समझिएगा ध्यान से, यह मान लीजिए कि एक डॉक्टर के पास गया ए बी सी मेडिसिन लेने के लिए, है ना, होम्योपैथ वाला डॉक्टर देते था ना छोटे छोटे दवा। 60 गोली दिया किसको, ए को, और बोला क्या इसे कि आपको 12 दिन में ख़त्म कर देना है उसको। इसका मतलब यह हुआ कि पर डे कितना गोली खा रहा होगा, 5 गोली खा रहा होगा। यही इसकी कार्य क्षमता है, बस मेन फोकस करना कार्य क्षमता पर। यहाँ बात करते हैं, अगर 60 टैबलेट में देता हूँ या 60 गोली देता हूँ किसको, बी को, तो 15 दिन में ख़त्म कर दे। इसका मतलब यह कि पर डे कितना खा रहा होगा, 4, उसी प्रकार से 3 गोली खा रहा होगा। अब तीनों को साथ में अगर खिलाएंगे हम, बात नहीं करेंगे बाबू, अगर तीनों को साथ में खिलाएंगे तो 5, 4, 9, 3, 12, 12 सब डिवाइड कर लीजिए कितना आ जाएगा, 5, और यही 5 दिन इसका आंसर बनेगा। यह निकलेगा आपका टाइम का, तो 60 बटे 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 दिन। और इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे दूसरा मेथड से। चलिए मैं एक मेथड और लेता हूँ, जैसे ये मुझे लगता है आप सबको समझ में आ रहा होगा, लेकिन भाई देव अगर फिर भी किसी बच्चों को समझ में नहीं आए तो आप कैसे बनाओगे इसको और भी मेथड से, मैं समझा सकता हूँ क्या, गुड, वेरी गुड। ये चीज़ आपको पता है कि जब एक किसी काम को 12 दिनों पूरा करता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12, बोलिए हाँ ना, या 1/
15 और 1/20, जब तीनों को साथ में काम करा रहे हैं ए बी और सी को, इफ ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर, तो ए करता है 12 दिन, बी करता है 15 दिन और सी करता है 20 दिन, तो आप क्या कीजिए कि इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए 12 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 का, तो 60 को डिवाइड करेंगे 12 से, कितना आएगा 5, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, 20 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, तो 5 4 9 3 12, ये 12/60 आ गया, ये रह गया दोस्तों ये 12/60। तो 12/60 ये आपका क्या निकला, आपका पार्ट ऑफ द वर्क, ये क्या निकला दोस्तों, वर्क निकला, लेकिन हमें क्या निकालना है टाइम, पलट दीजिए इसको, 60 ऊपर हो जाएगा और 12 नीचे हो जाएगा, 12/25 60 कितना दिन आएगा 5 दिन, यही आंसर हो गया, ये आपका टाइम का वैल्यू निकलेगा। मैंने बताया था वर्क का ठीक उल्टा क्या होगा आपका टाइम, टाइम का ठीक उल्टा वर्क। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अब ये बोल रहा है ए किसी काम को 2 घंटे पूरा करता है, बी उसी काम को 3 गुना। अच्छा ये चीज़ इफिशेंसी बेस्ड पर है, मैं इस पर आपको लेकर चलता हूँ, ये इफिशेंसी बेस्ड पर है, थोड़ा सा आप ये काम करो अभी यहाँ पर, ये क्वेश्चन को पहले समझो आप अच्छे से। देखो क्वेश्चन नंबर आपका ये इफिशेंसी में थोड़ा अलग से मैं काम करवाने वाला हूँ। देखो बोल रहा है कि ए किसी काम को 2 घंटे पूरा करता है, बी उसी काम को 8 घंटे पूरा करता है, सी को 8 घंटे में पूरा करता है, अच्छा वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे या कितने समय पूरा कर पाएंगे। सेम इसी प्रकार से देखना आप यहाँ पर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, 5 में क्या कर रहा है कि ए और बी किसी काम को 10 तथा 13 दिन में पूरा करते हैं, दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं 3 दिन बाद, देखो ये छोड़कर चला जाता है, कल मैंने करवाया था ना आपको, छोड़कर चला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 यह एफिशिएंसी बेस्ड पर है दोस्तों, मैं आपको इस पर आपको लेकर चलने से पहले आपको एक दो क्वेश्चन आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 5 को, मैं इसको मिटा दो क्या, एफिशिएंसी वाला को थोड़ा बाद में करवाएंगे आपको हम एक साथ में इकट्ठे, यहाँ बस समझिए पहले। अगर यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या, 5 नंबर देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन कि ए और बी किसी काम को 10 और 13 दिन में पूरा करते हैं, मतलब ए 10 दिन में और बी 13 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है दोस्त, दोनों उसी काम को एक साथ करते हैं, ठीक है, तो 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चल जाता है। तो मैंने बताया था आपको कि 10 और 13 का एलसीएम कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब ये बोल रहा है दोस्तों कि ए जो है 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है, तो 3 दिन के बाद छोड़ देगा, मैं 13 39 39 काम करके जाएगा, ठीक है, अगर मैं इसको घटाता हूँ कितना आ जाएगा 10 माइनस 9 1 बचेगा, और यहाँ पर 12 माइनस 3 9 91, ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में क्या बोल रहा है, अच्छा ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड 12 डेज दिया ना, अच्छा इंग्लिश में दिया 10 एंड 12, मैं ठीक कर लेता हूँ इसको, वेट हिंदी में थोड़ा अलग दे दिया था ना, 10 एंड 12, 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए एंड बी स्टार्ट टुगेदर, ए और बी एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कि दोस्तों अगर ए और बी को एक साथ काम करा दिए, एक साथ काम करा दिए, ए एंड बी वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, 3 दिन के बाद ए छोड़ दिया, तो आगे कौन करेगा, बी करेगा, कल मैंने बताया था ये सब चीज़ें, बी करेगा, तो काम को पूरी तरह से समाप्त होने में कुल कितना समय लग रहा होगा। तो एक बात बताओ यहाँ पर कि देखो 10 और 12 के एलसीएम 60 हो गया, तो 10 6 60 और यह 12 5 60, यह 6 पेज और यह 5 पेज, तो एक दिन में कितना है 11 पेज, बस समझिएगा, पहले आपको क्या करना, पहले इसका एफिशिएंसी निकालिए, तो 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ये 60 हमेशा टोटल वर्क को शो करेगा, टोटल हमेशा वर्क को शो करेगा, आप 60 की जगह पर बोलेंगे हम 60 ही क्यों माने सर, कोई और मान सकते, मतलब कोई और मान सकते हैं, तो 60 की जगह पर 120 मानो 180 मानो, मतलब 60 के मल्टीपल मानेंगे, इसलिए चूंकि यहाँ पर आपको यह डिवाइड होने के बाद एफिशिएंसी एटलीस्ट अच्छे से मालूम चल जाए, तो 10 6 60 और 12 5 60 हो जाएगा, तो 6 और 5 इसकी कहलाएगी आपकी कार्य क्षमता, तो एक दिन में अगर 6 5 11 पेज टाइप हुआ, तो 3 दिन इन लोग काम किए हुए, 3 में कितना सुगुना करेंगे 11 से, तो 11 दिया 33, ये 33 पेज टाइप हो चुका, तो 60 में से अगर 33 पेज टाइप हो चुका तो बचा कितना 10 माइनस 3 7 5 माइनस 3 2 27 पेज बच गया, ठीक है मेरे दोस्त, और 27 पेज को टाइप कौन करेगा दोस्त, बी करेगा, याद करो बी करेगा, मैंने बताया था आपको
तो बी की क्षमता क्या है? 5 है। बी की क्षमता कितनी है आपकी? 5 है। आप इधर आ जाइए, आप उठिए, यहां बैठिए थोड़ा सा देर के लिए। देखिए समझिएगा, तो अब देखिएगा दोस्तों यहां पर क्या कि 27 अगर दिखाई दे रहा होगा आपको 27, तो बी की कार्य क्षमता कितनी आपकी? 5 है। 27 को 5 से आप डिवाइड कर दो दोस्त, ठीक है मेरे भाई, 27 को 5 से अगर आप डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा? 5 × 25 2/5 यही ना आएगा मेरे भाई। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर टाइमिंग आपको निकालना है, तो टाइम कितना लगा? यहाँ पर 3 दिन और यहाँ पर ईयर, तो 3 + 5 × 2/5 तो 5 × 3 कितना आ जाएगा? 8 × 2/5 इज द करेक्ट आंसर। यह एक रूल मैंने और दिया था, आपको याद होगा कि जब कोई व्यक्ति कार्य करके जाता है, याद कीजिए, जब कोई खाना खा कर जाएगा तो खाना क्या हो जाएगा? घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन खाना बन गया है और खाना आने से पहले बोल दे कि हम नहीं आ पा रहे, तो खाना उसका क्या होगा? बच जाएगा। तो अन्य जो बच्चे व्यक्तियों पर वह क्या हो जाएगा? भार पड़ जाएगा कि उसको आपको एक्स्ट्रा खाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से यह खाना खा कर जाएगा तो माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करते दोस्त, मैं इसको मिटा सकता हूँ क्या? गुड, वेरी गुड। कि देखो जी, ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन पूरा करते हैं, ठीक है, और यह बोला हुआ है क्या कि मान लीजिए काम दोनों साथ में स्टार्ट किए, लेकिन आपसे यह कह रहा है कि 3 दिन के बाद ए छोड़ दिया, तो 3 दिन काम करने के बाद गया होगा, तो 3 दिन काम किया कौन? ए किया, तो 3 × 6 कितना आ जाएगा? 18, ये ना जी, 18 काम कर लिया, तो 60 में से 18 खत्म, तो कितना बचा होगा? 10 − 8 = 2 बचेगा, 5 − 1 = 4 42 बचे। अब ये 42 काम को करने के लिए ए तो नहीं आएगा, कौन करेगा? बी। तो बी की क्षमता कितनी है? 5 से डिवाइड कर दो। अब बी जो है शुरुआत से लेकर अंत तक काम में लगा हुआ, क्यों? क्योंकि बी के बारे में कुछ मेंशन आपको नहीं किया गया है। तो 42/5 मतलब कितना आ जाएगा? 5/40 2/5। तो दोनों तरीके से आपने देखा, आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बनाएंगे, आंसर विल बी सेम इन बोथ केसेस। नोट कर लीजिएगा, तीन और चार नंबर क्वेश्चन का मैं आपको एफिशिएंसी बेस पर बताने वाला हूं, ये थोड़ा पहले दे दिया है, कोई बात नहीं, मैं आपको जब समझाऊंगा तो दोनों क्वेश्चन आपको कवर कर लेंगे। पहले एक टाइप क्वेश्चन आपको कवर कर रहे हैं हम लोग, 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो 6 सबसे बच्चे से बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 6 में क्या कह रहा है कि देखो ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन पूरा करते हैं, ए और बी 10 और 15 दिन पूरा करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो 10 और 15 के एलसीएम निकालो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, 10 + 30 = 15 + 29। अब आपसे यह कह रहा है कि दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन के बाद ए छोड़ देता है, तो 2 दिन काम करा दो ना जी, 3 × 6 काम हो गया खत्म, तो 30 − 6 कितना हो जाएगा? 30 − 6 = 24 आ जाएगा, वेरी गुड। अब यह काम को कौन करेगा? बी करेगा, तो 24/2 मतलब कितना? 12 दिन लगेगा। बस अभी रूल समझिए आप, अगर मैं ऐसे ही बनाता सपोज यहाँ पर कि मैं दोनों को साथ में स्टार्ट करवा दिया ए और बी को, लेकिन आपसे यह कह रहा मेरे भाई कि 2 दिन के बाद कौन छोड़ दिया? ए छोड़ दिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 दिन ए और बी साथ में काम किए होंगे। जब अगर ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं स्टार्ट की शुरुआत से, 2 दिन के बाद ए छोड़ दे, इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी साथ में काम किए होंगे, है ना जी। उसके बाद ए छोड़ दिया तो आगे कौन आएगा? आपका बी आएगा। अब बी इस प्रकार से काम करेगा दोस्तों, तो यहां पर बताओ कि 2 दिन में ए और बी कितना काम कर सकते हैं? तो 3 × 2 = 5, 5 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब देखो 30 में से गया 10, बचा कितना आपका? 20, और 20 काम को कौन करेगा? बी। बी की क्षमता कितनी है? 2, 2 से डिवाइड करो, यहाँ से 10 दिन, तो इधर से 2 दिन, यहाँ से 10 दिन, 2 + 10 कितना आ जाएगा? 12 दिन। ये बेसिक चीज है आपको, कोई दिक्कत? सूरज गर्मी लग रहा, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज करो आप लोग, चलिए वेरी गुड।
ए और बी किसी काम को शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद ए कार्य छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिन में हो जाता है। तो ए ने काम को कितनी बार छोड़ा यदि ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज को आपको चेंज कर दिया। देखिए समझिए यहाँ पर मैं इसको बिठा सकता हूँ क्या बाबू? वेरी गुड। समझिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। देखो नीचे लिखा हुआ 10 और 15 दिन में लिखा हुआ दोस्तों ना, ए और बी क्रम से ए काम को 10 और 15 दिन पूरा। ये चीज क्या बोलते मालूम कि अगर ए उस काम को पूरा करने के लिए 10 दिन तक आएगा और बी उस काम को पूरा करने के लिए 15 दिन तक आएगा, तो आप कोई काम ऐसा मान लो जो दोनों में कॉमन हो जाए, तो उस केस में क्या करते हैं कि 10 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। कितना हो जाएगा? 30। तो 30 पेज मान लीजिए टाइप करने के लिए दिया गया किसको? ए को। तो 10 दिन आएगा, इसका मतलब यह होगा कि पर डे कितना पेज टाइप कर रहा होगा? 3 पेज। और यह पर डे कितना पेज टाइप करेगा? 2 पेज। सिंपली इसी को तो बोलते हैं क्षमता। अब आइए क्वेश्चन पर। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन कुछ समय के बाद ए छोड़ दिया, कुछ समय के बाद ए छोड़ दिया। तो इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई कि देखो ए और बी एक साथ काम स्टार्ट तो किए थे लेकिन कितना दिन तक काम चला शुरुआत में यह पता नहीं है, कुछ दिन। तो मैंने यहां पर एक्स मान लिया, एक्स तो शुरुआत से मानते आ रहे हम लोग है ना, एक्स मान लिया। अब यह बोल रहा है काम छोड़ दिया तो, और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो गया, पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो गया। तो अब बाकी के बच्चा कौन? बी आएगा। तो टोटल काम मान लीजिए 9 दिन था, 9 दिन में अगर हम यहाँ पर कहें कि 4 दिन साथ में किया तो 5 दिन अकेले किया होगा, बोलिए हाँ ना। अगर काम चला है 9 दिन, 4 दिन सब साथ में किया दोनों मिलकर, तो बी अकेले 5 दिन किया होगा। लेकिन अब मैं यहाँ पर मान चुका हूँ क्या x, तो यह क्या हो जाएगा 9 - x। कुछ तो बोलिए। जैसे आपने यहाँ पर भी समझा क्या कि ए और बी मिलकर मान लीजिए 4 दिन काम किए, तो यहाँ पर बी कितना किया? 5 दिन काम किया। तो 5 कैसे लाया आप? 9 - 4 कितना 5 आया। तो यहाँ पर जो वैल्यू है हमारा कितना है? x है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो यह क्या बनेगा? 9 - x। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया दोस्तों? 9 - x कर दिया, इतने काम चला होगा, दैट्स ऑल। अब यह कह रहा दोस्तों क्या कि ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, कितने दिन बाद छोड़ा, मतलब x का मान आपको अल्टीमेटली पूछा गया है। तो आप एक काम करते ए और बी की क्षमता, ए और बी की क्षमता कितनी है दोस्तों? 3 और 2 - 5। तो x इंटू 5 कर दीजिए, कुछ तो बोलिए। वेरी गुड। यहां पर कौन काम कर रहा है? बी। तो 9 - x इंटू व्हाट? 2 कर दीजिए, ये हो जाएगा। और इस प्रकार से पूरा काम समाप्त हो गया, 2 से मैंने गुना कर दिया, पूरा काम समाप्त हो गया। मतलब कितना काम था आपका? 30। यहां पर 30 कर दीजिए, ये एक तरीका होगा आपका। इसके और भी तरीके बनाए जा सकते हैं लेकिन यह तरीका भी जेन्युइन तरीका है। 5 से गुना करेंगे दोस्तों कितना बनेगा? 5x। यह बनेगा 18 और यह बनेगा 2x = 30। ठीक है मेरे दोस्त। तो 5 - 2 कितना आ जाएगा? 3x। और 30 - 4 कितना आ जाएगा आपका? 12। तो x मान कितना आ जाएगा? 4। ओ जो 4 मान है तो वही आ गया आपका। देखो 4 दिन यहाँ पर तो 5 दिन यहाँ पर, ये नहीं चला। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए ने 4 दिन के बाद कार्य को छोड़ दिया। कहाँ बाबू? यहाँ पर आपको बोला हुआ क्या है देखिए क्वेश्चन में क्या कि कुछ दिन के बाद। तो ए और बी की क्षमता 3 और 2 - 5 न है, तो 5 से गुना करेंगे। आपको खाली ए वाला से नहीं गुना करना है, दोनों चीज इसमें इन्वॉल्व है। ए और बी मिलकर काम करते हैं, विजय समझ रहे हैं आप? देखो ए और बी मिलकर काम कर रहा मतलब ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है। तो ये 5 काम किए, कितने दिन तक किए? 1 दिन किए। तो x इंटू 5 कर दीजिएगा, ठीक है। अब आगे ए काम करने नहीं आ रहा तो कौन कर रहा है? बी कर रहा। तो बी की क्षमता है कितनी? 2। तो मैंने यहाँ पर 2 से गुना कर दिया। कोई बच्चा बोलेगा सर ये 9 - x कहाँ से ला दिए? तो आप बताओ कि 9 दिन का टोटल समय दिया था, तो 9 दिन में से अगर या 4 दिन कर लिया पूरा तो बच्चा कितना? 5 दिन। तो 5 कैसे आया? 9 - 4 करने से। तो उसी प्रकार से हमने यह टाइप क्या मान लिया था? टाइम x मान लिया था। तो x अगर यहाँ पर a और b साथ में काम करते हैं तो 9 - x बी अकेले करेगा, तो वही मैंने यहाँ पर 9 - x कर दिया। अब यहाँ पर इतना दिन काम कौन किया होगा आपका? बी किया होगा। बी की क्षमता कितनी है? 2। गुना करो x का मान निकलेगा। तो अगर पूछेगा कि
ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा? योर आंसर शुड बी 4 दिन. 4 दिन एक्सकवान आया, 4 दिन तक काम किया होगा. और बी पूछता कि बी अकेले कितना दिन तक काम करते रहा लास्ट में, तो क्या बोलेंगे? 5 दिन अकेले, साथ मिलकर तो 9 दिन ही हुआ है. एक तरीका यह था. एक तरीका और लीजिए आप, मैं सुमटा सकता हूँ क्या बाबू? हाँ जी, समझ रही हैं? इधर से दिखता है कि नहीं? नहीं दिखता ना. इसलिए जो एक बार बैठता है इधर, जगह चेंज कर लेता है सब. नहीं मैं मिटा दो उसको. कमलेश कहाँ चल गया हो? सच में नहीं दिखता है. चलिए समझिएगा. एक रूल और लीजिए आप लोग, अगर नहीं समझेंगे तो एक रूल और दे सकते हैं, लेकिन यह रूल से आप समझ जाओगे. आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर ए कर दिया और यहां पर बी कर दिए, कितने दिन के बाद ए कार छोड़ दे? अनमोल रतन धन पाविता देखिए, कितने दिन के बाद ए कार छोड़ दे? तो ए के बारे में बोला जा रहा है, बी के बारे में कुछ नहीं बोला गया. और यह बोल रहा है कि कितने दिन के बाद ए कार छोड़ दे कि पूरा कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाएगा. तो इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई कि पूरा कार्य 9 दिन कौन किया होगा? बी किया होगा. बी तो स्टॉप नहीं किया काम को, तो बी 9 दिन लिख दीजिए. जब से काम स्टार्ट हुआ है तब से वह काम कर रहा है, उसमें काम स्टॉप नहीं किया हुआ है. तो एक बात बताओ कि 9 दिन अगर बी किया होगा तो 1 दिन में कितना करता है? 2 पेज टाइप करता है. तो जब 9 दिन टाइप किया होगा तो 18 पेज में टाइप किया होगा जी? बोलिए बोलिए. 18 पेज टाइप किया होगा, तो 30 में से 18 बाबू अगर चल गया तो बचे कितने? 12. तो 12 पेज किसके हिस्से में जाएगा? एक हिस्से में जाएगा. यह था बी के लिए और यह था किसके लिए? ए के लिए. अब ए के लिए गया 12 पेज. अब बताओ कि 12 पेज टाइप करने के लिए ए ने कितना समय लिया होगा? यदि ए जो है 1 दिन में कितने पेज टाइप करता है? 3 पेज. तो 12 से डिवाइड कर दो 3, कितना जाएगा? 4 दिन. यानी कि 4 दिन के बाद ए काम को ड्रॉप कर दिया. एक्स मानने की भी जरूरत यहां पर आपको नहीं पड़ा होगा. पड़ा क्या? क्योंकि आपको यह खुद मेंशन कर रहा कि कुल काम 9 दिन में समाप्त होता है. तो 9 दिन मैंने मान लिया किसके लिए? बी के लिए. क्योंकि बी तो शुरू से अंत तक इन्वॉल्व है उस काम में, मैंने 9 मान लिया. तो बाकी का काम जो बचा वह कौन करेगा? ए, जो कि शुरुआत में आपको किया गया होगा. तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन. अच्छा 8 नंबर देखिए. अच्छा अच्छा क्वेश्चन में 8 देखिएगा. इधर पीछे याद रखना, 2 क्वेश्चन मैंने स्किप किया. कौन सा? 3rd and 4th ना. एफिशिएंसी बेस पर है. शुरुआत में अगर समझाएंगे वह चीज़ क्या है, थोड़ा सा आपको इधर उधर हो जाएगा दिमाग. तो मैं आपको इसका यूज़ करता हूँ आगे चलकर, एफिशिएंसी बेस पर कैसे काम करते हैं. मैं समझा सकता बाबू? अभी बस खाली ये सीखना है कि कोई आदमी काम करने से पहले चल गया और काम करके गया, इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो आप, फिर एफिशिएंसी भी समझा देंगे आपको. रन पर समझिएगा, जैसे आपको यहां पर यह मेंशन किया है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 समझिएगा. 8 नंबर क्वेश्चन, बातें नहीं. ए तथा बी किसी काम को शुरू करते हैं. ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 and 30 days रिस्पेक्टिवली. तो आप यहां पर सबसे पहले ए और बी लिख दीजिए, 20 और 30 दिन. ए और बी, ठीक है मेरे दोस्त, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है. कुछ समय बाद छोड़ता है, कितने दिन के बाद छोड़ता है हमें ज्ञात नहीं है. और पूरा काम 16 दिन में समाप्त हो जाता है. तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? वही सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? सेम उसी टाइप क्वेश्चन से. तो 20 और 30 कैल्शियम निकालो, कितना निकलेगा? 60. ये 60 हो गया. 20 या 60 और 30 दूनी 60. अब देखो कितने दिन के बाद ए छोड़ने बोला था, हमने यहाँ बी कर दिया. तो पूरा काम बोल रहा आपसे क्वेश्चन में क्या, तो हाँ पूरा काम 16 दिन में, तो यहां पर मैंने 16 कर दिया. ए के बारे में कह रहा है कि ए कितने दिन के बाद कार्य को छोड़ा होगा. अच्छा बी के बारे में क्या? अच्छा किंतु कुछ समय बाद बी छोड़ता, सॉरी बी छोड़ देता है, ठीक है मेरे दोस्त. अगर बी छोड़ता है तो कौन पूरा काम करेगा? ए करेगा. और यह काम 16 दिन में समाप्त होता है दोस्त, 16 दिन में. तो एक बात बताओ कि ए के लिए अगर मैं बात करता हूं, काम की क्षमता कितनी इसकी? 3 है. 3 से गुना करें कितना आ जाएगा? 48. मतलब ए 48 पेज टाइप कर चुका होगा.
तो 60 में से 48 अगर टाइप कर चुका तो बच्चा कितना 12। ये 12 पेज किसके लिए होगा? बी के लिए होगा, हाँ या ना। और बी टाइप करता कितना? दो पेज। दो से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा? That's all। आपसे पूछ रहा क्या कि बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा होगा, तो 6 दिन बाद छोड़ा होगा। ये इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। समय ज्यादा वेस्ट नहीं करना आपको यहाँ पर, सिंपली आपका चीजों को समझिए। वर्क बाय एफिशिएंसी कर लो क्या होता है, टाइम। ठीक है, गुड। फैन नहीं चल रहा इसकी वजह से गर्मी है कि आप लोग आने की वजह से गर्मी है? आप लोग आने की वजह से गर्मी है। सब नहा बिना नहाए धोए आ जाता है बच्चे लोग तो। हाँ, घर्षण मन लगेगा, घर्षण फ्रिक्शन, समझ रहे ना, समझिएगा। हाँ, अब ठीक, चले सही आई, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चंस, 9 नंबर। ऐसा मेहनत करो कि पसीना आना चाहिए, पसीना ना, तब एकदम लखपत होना चाहिए पसीना, तब लगे हाँ बच्चों मेहनती है सब। क्या नहीं होगा, नहीं होगा, डोंट वरी, बगल में हॉस्पिटल भी है, सब चिल्ड्रेन है, सब चिल्ड्रेन ही है ना सब। 9 नंबर देखिएगा, यह कह रहा है कि देखो ए बी और सॉरी ए और बी किसी काम को शुरू करते हैं। मेरे दोस्त दोस्त लिखा हुआ नहीं है। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ए और बी एक साथ काम को शुरुआत करते हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क, कुछ देर के बाद या कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद बी कार्य को छोड़ देता है। एंड द रेस्ट वर्क विल बी कंप्लीटेड बाई ए एंड नेक्स्ट 10 डेज, और शेष कार्य को पूरा करने में ए अगले 10 दिन का समय लेता है दोस्तों। तो देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम बी लेफ्ट द वर्क, तो ज्ञात करें कि बी जो है कितने दिन के बाद कार्य को ड्रॉप किया था, छोड़ा था, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ समझिएगा, ए लिखो और बी लिखिए फटाफट। देखो पूरे एरिथमेटिक मैथ्स में अगर आप 2-3 चीज़ें ठीक कर लिए एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला आपका परसेंटेज प्रॉफिट लॉस SICI, ये एक सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन हो गया आपका टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, दूसरा सेक्शन। और तीसरा पार्ट आपका आता है आपका रेशियो ऑप्शन एलोगेशन मिस्टर एवरेज, ये 3 पार्ट में स्टडी कर लो पूरी एरिथमेटिक मैथ्स, इससे आपको कुछ नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई बच्चा एडवांस करना चाहता है, SSC करना चाहता है, उसके लिए एडवांस करना बहुत जरूरी है। और इन सबको सीखने के लिए आपको एक रूल आपको पता होगा, यहाँ पर बेसिक आपको पढ़ाया जाता है एलजेब्रा वाला, एलजेब्रा उसमें हो गया, इसी में आपका आ जाएगा क्या नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम शायद आपने कुछ पढ़ा, बच्चा पढ़ा भी होगा इसमें से SFLSM नंबर सिस्टम और सिम्प्लीफिकेशन, कोई बच्चा पढ़ा इसमें सिम्प्लीफिकेशन, सिम्प्लीफिकेशन SFLSM नंबर सिस्टम, कोई नहीं पढ़ा इसमें, मैंने इतने किसको पढ़ाता है यार, जब पढ़ा उसे निकल गया क्या सब। नंबर सिस्टम इतना डीपली जाकर करवाया आज ही कुछ दिन पहले, है नंबर सिस्टम करवाया, SFLSM करवाया, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट सारा करवाया, किसको मैं करवाता हूँ सच में, किसको करवाते। अब एक काम करना पड़ेगा मालूम, एक जिसे होता है ना कि बचपन में स्कूल में आपको डायरी मिलता है और डायरी में हर रोज लिखना पड़ता है ना, चैप्टर का नाम लिखेगा और बच्चा वहाँ पर साइन करेगा, हाँ पढ़ लिए, और मास्टर का भी साइन रहेगा यहाँ पर पढ़ा दिए, अब देखेंगे लास्ट में डायरी के क्या क्या हो, पता ही नहीं चलता कि बच्चे लोग किसको मैं पढ़ा रहा इतना दिनों से। SFLSM इस साल का बात करें, अभी जनवरी फरवरी में पढ़ाया हूँ मैं SFLSM नंबर सिस्टम, हो सकता है आप लोग दोपहर वाले बैच में होंगे, है ना, अच्छा दोपहर वाला, मॉर्निंग वाला मैं करवाया था, समझिएगा, कोई बात नहीं, मैं आपको स्टार्ट करूँगा। नंबर सिस्टम अच्छे से कर लो, SFLSM अच्छे से कर लो, और स्क्वायर स्क्वायर रूट शर्ट्स एंड रेसेस, ये बहुत हेल्पफुल होता है एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से, समझिएगा। क्वेश्चन मत समझिएगा, 9 नंबर। संडे को बुलाएंगे तो आप लोग आ सकते हैं, yes, लंबा क्लासेस 3 घंटा के लिए, yes, सिर्फ मैथ्स 7 से 10, खाना पीना का व्यवस्था मेरे ओर से रहेगा, सही बता रहे हैं, पढ़ेगा सब ठीक, खाली 20-20 रुपये जमा करना है सबको 7 बजे से। तो देखो यहाँ पर करना क्या आप लोग, देखो ए और बी, आप कुछ मत करो 20 और 30, ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन पूरा कर सकते हैं, 20 और यहाँ कर दो और यहाँ पर कर दो आप 30 कर दो, ठीक है मेरे दोस्त। 20 और 30 कैल्शियम निकालो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा।
तो 20 या 60 और ये 30 दुनी के 60, ये सिंपली आपका निकल गया कार्य क्षमता। उसके बाद यह कह रहा है कि कुछ समय के बाद भी कार छोड़ देता है, तो आप सिंपली ऐसे कर लो, कुछ समय के बाद तो ए और बी को हम साथ में काम करा दिए मेरे दोस्त, और कुछ समय के बाद बी कार छोड़ देता है, शेष काम को ए अगले 10 दिन में पूरा करता है। 10 कर दिए, शेष काम को ए अगले 10 दिन में पूरा करता है, तो बी ने काम को कितने दिन के बाद छोड़ा यदि ए और बी उस काम को 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चंस का लैंग्वेज हमारा यही है। तो सिंपली आप समझिएगा कि बाकी जो बचा हुआ काम है ए 10 दिन में पूरा करता है, तो ए की कार्य क्षमता क्या है, 3 से गुना कर लीजिए सिंपली, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब 60 पेज में से अगर 30 पेज लास्ट के 10 डेज में अगर टाइप हो चुका है तो बचा कितना होगा, 30। अब 30 पेज टाइप करने के लिए हमारे पास दो व्यक्ति अवेलेबल हैं, कौन कौन, ए और बी है, इनकी क्षमता क्या है, 5, 3 तो 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6। अब हमसे यह कह रहा है कि बी ने कितने दिन के बाद कार छोड़ा, तो बी यहाँ 6 दिन के बाद दिखाई दे रहा क्या, या 6 दिन के बाद बी दिखाई दे रहा नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि बी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 6 डेज, बी ने 6 दिन के बाद कार्य को ड्रॉप किया होगा, दैट्स ऑल, नोट कर लीजिएगा। तो यह था क्वेश्चन नंबर 9। 10 देखिए दोस्तों, यहां पर दो आदमी एक दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं, दो आदमी एक दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं, मतलब कम जोड़ते हैं, मिस्त्री लोग देखते होंगे जब एक साथ काम पर लगा दोगे आप तो थोड़ा सा काम कम होता है, क्यों कम होता है, बात करने लगता है सब, तब अपना बेटी का कहाँ नाम लिखवाया है ना, बेटा का शादी कब है, वो बातचीत करना, थोड़ा बढ़ा के ही बनाना होता है कि नहीं होता, उस क्रम में थोड़ा बातचीत के क्रम में थोड़ा सा क्या होता है, काम कम हो पाता है, बढ़ा के बनाना, समझ गए बच्चे लोग सब, है ना। तो पूछ रहा आपसे क्या कि आप यह ज्ञात करें कि उस दीवार में कुल ईंटों की संख्या क्या है, उस दीवार में कुल ईंटों की संख्या क्या है, फिर समझना, दो आदमी किसी दीवार को 15 और 20 घंटे बना सकते दोस्त, लेकिन जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगते हैं उस दीवार में, ठीक है, तो और इस प्रकार से दीवार 12 घंटे में बन जाते हैं। तो पूछ रहा आपसे क्या कि दीवार में लगे कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करें, बताइए आप, कुछ काम नहीं बच गया, दीवार में कितना ईंट लगा हुआ है गिनिए। तो देखिए आइए गिनते हम लोग सब साथ मिलकर गिनते दोस्तों, हम लोग यहाँ पर क्या ईंटों की संख्या क्या होगी, तो देखो यहाँ पर जो आपको मेंशन किया है कि दो मजदूर हैं और वह इस प्रकार से काम करते हैं, ए है और यह बी है, 15 घंटे और यह 20 घंटे में दीवार को बना देते हैं, 15 आवर्स एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली, तो आप क्या करो कि 15 और 20 कैल्शियम निकालो, कितना निकलेगा, 60। मान लीजिए कि उस दीवार में कुल 60 ईंट लगते हैं, तो 60 ईंट को जोड़ने के लिए ए लेता है 15 घंटा, इसका मतलब यह होगा कि पर डे या सॉरी पर आवर कितना जोड़ता होगा, यह 4 ईंट जोड़ता होगा। उसी प्रकार से अगर यह 20 घंटा लेता है, इसका मतलब यह होगा कि यह 3 ईंट प्रति घंटा जोड़ता होगा, यह इनकी क्या निकल गई, एफिशिएंसी निकल गई, ठीक है दोस्तों, यह इनकी निकल गई एफिशिएंसी। अब यहां पर बताना दोस्तों क्या कि जब ए और बी अलग अलग काम कर रहे हैं, ए और बी जब अलग अलग काम किए तो यह 4 और 3 कितना हो जाएगा, 5। ए प्रभु आ जा नीचे उठा ला, हमारा नहीं उनका, ए और बी समझिए ध्यान से, तो ए और बी जब अलग अलग, देखो मैं अलग अलग लिखा हूं यहां पर सेपरेट, तो यह 4 ईंट और यह 3 ईंट, कितना ईंट, 7 ईंट, लेकिन जब दोनों साथ में काम करते हैं, दोनों साथ में काम करते हैं तो दीवार 12 घंटे में बन जाता है, लिखा ना जी क्वेश्चन पढ़ो, दीवार 12 घंटे में बन जाता है, तो 60 बटे क्या कर देंगे 12, यानी क्षमता क्या रहेगी इनकी, 5। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब दोनों साथ में काम कर रहे थे मेरे भाई, तो इनकी क्षमता क्या थी, 5। बस समझिएगा क्वेश्चन क्या कहा था, मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूं, दो आदमी किसी दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो 280 प्रति घंटा कम लगाते हैं। अब देखिए
अलग अलग काम करते हैं तो 7 ईंट जोड़ रहे थे, लेकिन एक साथ काम कर रहे हैं तो 5 ईंट जोड़ रहे हैं। तो कम लगा रहे कि नहीं लगा रहे हैं? 2 ईंट प्रति घंटा कम लग रही है। यूनिट के केस में 2 यूनिट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 7 यूनिट और यह देखिए 5 यूनिट, कितना कम लगा रहे हैं इन लोग? 2 यूनिट। और यही 2 यूनिट का मान दिखाई दे रहा दोस्तों, ईंट की संख्या में 280 ईंट कम जोड़ रहे हैं। लिखा ना बाबू 280, तो 280 मैंने यहां कर दिया, तो 2 यूनिट का मान 280, तो एक का मान कितना मेरे भाई? 140। मुझे लगता है सब बच्चे समझ रहा होगा इस बात को, 140। अब हमसे यह कहा है कि उस दीवार में लगे कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करें, तो मैंने ईंटों की संख्या क्या मानी थी? टोटल 60। तो टोटल अगर आपको निकालना होगा टोटल ईंट कितना हो जाएगा, तो 60 गुने क्या करेंगे? 140। बस समझे मेरी बात को? तो 14 6 84 पर 00, यह आपका टोटल नंबर ऑफ ईंट निकलेगा। नोट कर लेंगे प्लीज। यहां पर लिख लीजिएगा टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, कुल ईंटों की संख्या। तो इस प्रकार से काम करना था और बड़ा आराम से काम करना एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बस ये देखना कि प्रति घंटा 280 ईंट जो कम लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वह एक साथ 5 ईंट जोड़ते हैं और यहाँ अलग अलग 7 ईंट जोड़ते हैं। तो 7 कहाँ से आया? 4 और 3 को मैंने अलग अलग सेपरेट लिख दिया यहाँ पर। और यह एक साथ मैं इसे लिखा हूँ चूंकि वह मेंशन किया होगा कि जब दोनों साथ में काम करते हैं तो दीवार 12 घंटे बनकर रेडी हो जाता है। तो 60/12 यानी कि 5, यही 5 को मैंने यहाँ पर दोस्तों मेंशन कर दिया। अब बताइएगा कि यह अलग अलग काम करते हैं 7 ईंट जोड़ते हैं, साथ में काम करते हैं 5 ईंट जोड़ते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि पर डे यानी पर आवर जो है 2 ईंट कम लगाते हैं। 2 ईंट कम लगाना यूनिट के केस में होगा, लेकिन वह अगर आपको ईंट की संख्या में देखें तो हमारा गिवन है कितना? 280 ईंट दिया हुआ। तो 2 का मान 280, एक का मान कितना हो जाएगा? 140। हमसे पूछा क्या कि उस दीवार में लगे कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करें, तो हम कितना मान चुके थे शुरुआत में? 60। तो एक का मान अगर 140, तो 60 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 60 × 140 मतलब कितना हो जाएगा? 84। दैट इज योर राइट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चे को है? चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप बनाओ और मैं देखो क्वेश्चन को कैसे बनाते हो। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखना 11 में, 10 के बाद 11 मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन स्किप किया हूं, 3rd और 4th मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, एफिशिएंसी पर आने दीजिए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, जल्दी से बनाइए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। समझिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों, दो आदमी एक दीवार को ए और बी 9 और 10 घंटे बनाते हैं। दो आदमी जो है एक दीवार को 9 और 10 घंटे में बनाते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अब वो कह रहा है कि जब लेकिन वे एक साथ काम करते हैं तो आप एक काम करो, 9 और 10 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 90। मैं 90 यहां पर कर दिया, 9 दहा और 10 नवा, यह क्या कहलाएगा मेरे भाई? एफिशिएंसी, वेरी गुड, यही कहलाएगा आपका कार्य क्षमता कहलाएगा। अब यहां पर कह रहा है दोस्तों क्या कि जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो दीवार कितने घंटे में? तो 10 ईंट प्रति घंटे कम लगते हैं और दीवार 5 घंटे में बन जाता है, 5 घंटे बनता है। तो जब दोनों साथ में काम करेंगे दोनों साथ में तो 5 घंटे बनेगा, मतलब प्रति घंटे कितना ईंट जुटता होगा? 18। इन मतलब हुआ वर्क को अगर मैं टाइम से डिवाइड करूं क्या निकलेगा? एफिशिएंसी। तो 5 घंटे में बनता है तो 90/5 कितना? 18। इसका मतलब यह हुआ कि जब ए और बी एक साथ कर रहे हैं तो 18 ईंट जोड़ रहा, 18 ब्रिक्स हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। लेकिन जब दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, ए अलग और बी अलग काम कर रहा है ना, तो आप देख पा रहे होंगे 10 और 9 कितना? 19 ईंट जोड़ रहा है। ए और बी जब अलग अलग हैं तो 19 और जब साथ में है तो 18 जोड़ा। तो आप एक बात बताओ अनमोल जी, क्या 19 से हो गया 18 कम कितना हुआ आपका? 1 का। और यही 1 यूनिट का मान क्या दिखाई दे रहा था मेरे दोस्त? 10 ईंट प्रति आवर्स कम जोड़ते हैं, तो मैंने यहाँ पर 10 कर दिया। कौन बच्चा समझ में नहीं आएगा, सबको समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है ऐसा। अरे समझ रहे हैं आप?
वेरी गुड, एक का मान 10, पूछा आपसे क्या टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करें, तो आप कितना मान चुके हैं 90। तो यहां लिख दीजिएगा टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स यह होगा दोस्तों 90 इंटू 10 अर्थात 900, और ये इसके आंसर, कुल ईंटों की संख्या बनेगी आपकी 900। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और यहां पर यह कह रहा है ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, गाना सुना है ना, ये करके दिखाओ। समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां हैं, क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं। समान ऊंचाई की, मान लीजिए कि यह दो मोमबत्ती इस प्रकार से है दोस्तों, दोनों की ऊंचाई आपको समान दे रखी है। अब इन दोनों को अगर हम जलाते हैं तो आपको यह कह रहा है कि 4 और 6 घंटे में जल जाते हैं, पूरी तरह से जल जाते हैं। तो ये सिर्फ लंबाई बराबर बोल रहा है, इसका वॉल्यूम, इसका चौड़ाई आपके बराबर बोल होगा नहीं होगा, ये आपको बोला नहीं, सिर्फ लंबाई बराबर है। तो ये बोल रहा है कि दो समान ऊंचाई की मोमबत्तियाँ 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं, यदि दोनों मोमबत्तियों को एक साथ जलाया जाए तो कितने समय बाद इनकी ऊंचाई क्रमशः 2:3 के अनुपात में रह जाएगी। यही तो क्वेश्चन है दोस्तों, और उसके बाद सेम क्वेश्चन 30 नंबर सेम इसी प्रकार से है। तो अगर मैं 12 बना दूं तो 13 आप बना लोगे, देखो तो क्वेश्चंस को, अगर मैं 12 कर लेता हूं तो 13 आप कर लोगे, बोल भी दो जरा। वेरी गुड, तो यहां पर समझिएगा ध्यान से दोस्तों, इसको कैसे बनाओगे आप, और यह क्वेश्चंस के बाद अगला खुद क्वेश्चन आपको बनाना है। सबको समझ में आ रहा है, समझ आ रही है ना, गुड, मिली की दीदी, वेरी गुड। क्वेश्चन में देखिएगा 12 समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां, मान लीजिए कि दो कैंडल है ए और बी, मान लेते हैं दो कैंडल C1 और C2, मान लो कैंडल को C1 और यह C2, दो कैंडल है जिनकी 4 और 6 घंटे पूरी तरह जल जाती हैं, 4 घंटे और यह 6 घंटे पूरी तरह जल जाती हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 और 6 का एलसीएम निकाल दो, कितना हो जाएगा 12। मान लीजिए कि जो मोमबत्ती है उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, 12 मीटर वाट एवर जो भी है, अब उसको मान लो, मान लीजिए दोनों मोमबत्ती की ऊंचाई कितना है आपका 12 मीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए 4 से डिवाइड करेंगे 3, 6 से डिवाइड करेंगे 2, 3 और 2 क्या है जलने का, वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब यह हुआ कि देखो यह कैसे जलेगा, उसका यह रेट को शो करता है, किस दर से यह जलेगा, है ना। देखिएगा यह अगर 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई हुई, है ना, और यहाँ पर आपको दिया हुआ 4 घंटे और 6 घंटे में, है ना, 12 सेंटीमीटर अगर ऊंचाई हुआ तो यह 12 सेंटीमीटर ऊंचाई अगर 4 घंटे में जलता है तो इसका मतलब यह प्रत्येक घंटे में कितना जलेगा, तो 3 सेंटीमीटर जलेगा, है ना जी, 3 × 12 हो जाएगा, ये प्रत्येक घंटा में जलेगा 2, तब 2 × 12, तो ये जलने का इनका दर दिया हुआ, रेट दिया हुआ, लेकिन समय कितना लगेगा ये आपको निकालना पड़ेगा, समझिए ध्यान से। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया कि दोनों मोमबत्ती की ऊंचाई कितनी है 12 और 12, C1 भी 12 और C2 भी 12, यही था ना आपका, C1 भी 12 और C2 भी 12, दोनों की ऊंचाई हमने मान लिया कितना 12 और 12, ठीक है। अब रही बात कि जब दोनों को एक साथ जला रहे हैं हम, तो कितनी समय के बाद, ये समय नहीं ज्ञात है, कितने समय के बाद दोनों की ऊंचाई क्या होनी चाहिए 2:3 होनी चाहिए, कितने समय के बाद, टाइम मुझे नहीं पता है लेकिन इनका रेट पता है, जल रहे मतलब धीरे धीरे जल के क्या होंगे, कम होंगे, तो कम के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना हम लोग, जलेगा तो उसके बाद कम करेंगे हम लोग ना, उसको ऊंचाई कम होता चला जाएगा, तो प्लस मत करना, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 2 कर दिए, इसकी 3 है और इसकी कितना है 2 है, लेकिन टाइमिंग हमें ज्ञात नहीं है, टाइमिंग को मैंने टी कर दिया और यहाँ भी आपको टी कर दिया, बस यही बात है। यह टी इसलिए शो कर रहा हूँ मैं आपको ताकि प्रत्येक मिनट में या प्रत्येक घंटा में कितना जल रही है, तो यह टाइमिंग तो मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है,
लेकिन इतना जरूर मालूम है कि एक घंटा में अगर यह 3 सेंटीमीटर तो यह कितना 2 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि वहाँ टी घंटा चला होगा, टी घंटा के बाद तो टी घंटा दोनों के लिए काम करेगा, क्योंकि दोनों मोमबत्तियों को मैंने अगर साथ में चलाया हो तो 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद जितने देर भी चलेगा तो दोनों के लिए समान समय होना चाहिए। तो उसके मैं क्या रिप्रेजेंट कर दिया आपको, टी से आपको मेंशन कर दिया दोस्तों। आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपली आप इसको इक्वेट कर लेते तो 2/3 यहाँ कर लेंगे तो यह हो जाएगा मेरे दोस्त कितना 12 तिया के 36 और -3 तिया के 9 टी, और यह आ जाएगा 12 दुने के 24 और 2 दुने के 4 टी। 12 तिया 36, 3 तिया 90 है ना, और ये 12 दुने के 24 और 2 दुने के 40 है ना, 2 2 जा 40 समझे ध्यान से। अब देखो 9 का मैंने साइड चेंज कर दिया, कितना बनेगा 9 - 4 5 टी, 36 - 24 12, तो टी का मान बनेगा दोस्तों 12/5। तो इसको क्या कहेंगे, 5 दुने के 10, 2/5 आवर्स, यही इसका आंसर होगा। और अगर मान लीजिए मिनट में चेंज करना है फिर 60 से गुना कर दो, यह कितना आ जाएगा 12 यानी 2 घंटा 24 मिनट। डिपेंड करता है या मैं क्वेश्चन कैसे दिए, मिनट में दिया तो मिनट में लाओगे या आवर्स में दिया तो आवर्स में रखेंगे। तो इस प्रकार से काम करना पड़ेगा। कोई बच्चा यह नहीं पूछना कि सर माइनस क्यों कर रहे हैं, कोई पूछा पूछेगा क्या माइनस क्यों कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि वह जलते जलते धीरे धीरे कम हो रहा है और कम होने के बाद कुछ यह दिया है टी। इसलिए मैंने माना कि टी के बारे में आपको यह कह रहा है कितने समय के बाद, तो समय तो मुझे ज्ञात नहीं है, तो जो भी समय रहेगा वह दोनों के लिए, दोनों मोमबत्तियों के लिए क्या होगा, समान होगा। जलने का रेट आपको मालूम है इसका 3 और इसका 2, गुना कर देंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप बनाना है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आपको लेके चलना है 13 नंबर क्वेश्चन। चंदन चिरनेश क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन समझ रही आस्था पक्का, गुड, वेरी गुड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि जो बच्चा कॉमर्स में हो या आर्ट्स से पास करके आया हो कभी मैथ्स नहीं पढ़ा, उसे समझ में नहीं आएगा। सही बच्चों को समझ में आएगा ये मैं 100% दावा कर सकता हूँ, सबको समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं आराम आराम से कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए, स्पीडली तो मैं आराम से क्वेश्चन करूँगा, डिस्कस तो मैं लगता है 1 घंटा 20-25 क्वेश्चन हो जाएगा आराम से समझा के भी, लेकिन थोड़ा सा मैं आराम आराम से लेके चल रहा था कि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स का बैकग्राउंड उनका रहता नहीं है और वो पहली बार मैथ्स पढ़ रहे होते हैं, तो उन्होंने सबको हमको लेके चलना पड़ता है। ये क्वेश्चन 13 देखिए, अगर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियाँ 12 और 20 घंटे में जलती हैं। 12 और 20, तो आप ऐसे करते 12 और 20 कर देते, या C1 C2 करने की आवश्यकता नहीं है। सूरज बात नहीं बाबू, 12 और 20 कैल्शियम कितना हो गया आपका 60 हो गया, तो यहाँ पर हम 60 कर देंगे, 12 + 60 और 20 = 60, सिंपली ये नहीं करेंगे। यह क्या निकला हमारा, एफिशिएंसी निकला, किस रेट से किस दर से यह जल रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको यह कह रहा है यदि दोनों को एक साथ जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई यह हो जाती है, तो कुछ नहीं करो, यहाँ पर 60 करो, यहाँ पर भी 60 करो, दोनों को माइनस करना है, यहाँ पर 5t और यहाँ पर 3t, और यह रेशियो कितना बन जाता है 3:5, सिंपली इतना, तो बस बात करना है। यह 5 और 3, विकास इधर देखिए, यह 5 और 3 यह वाला है एफिशिएंसी वाला, और टाइमिंग अपने आप से मान लेना है कितने समय के बाद यह इतना रेशियो हो जाएगा, तो टाइमिंग का टी से रिप्रेजेंट कर दीजिए, यह टी हो जाएगा, और होने के बाद जो उसका ऊंचाई का जो रेशियो दिया है वो आपको ऑलरेडी गिवन है, देखिएगा 3:5 रह जाता है या रह गया, 3:5 मैंने कर दिए। अब इसे क्रॉस चेक कर लीजिए, क्रॉस में गुना करेंगे तो 60 + 300 आ जाएगा मेरे दोस्त, और 5 + 25 = 60, यह 60 तिया के 180 और 3 तिया के 90, यह बनेगा। अब देखो 25 में घटाओगे 9 तो कितना बनेगा मेरे दोस्त 16 टी, 300 में घटाओगे 180 कितना आएगा 120 आएगा, तो टी का मान 120/16, 4 से काट देते हैं तो 4 × 16 और यह 30 चौके, यही ना, यह 8 समय सीधे के बारे में काट देता हूँ ना, 8 × 16 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 × 120 नहीं तो 15/2 मतलब कितना आ जाएगा 7.5,
7.5 घंटा, मैंने सीधे 8 से कट कर दिया उसको, 8 दिनों 16 और 8 गुने 15 120 हो जाएगा, तो 7.5 बचेगा इसका, ये आवर्स होगा। अगर आवर्स मैंने दिया है तो मिनट में दिया होगा, 7 घंटा 30 मिनट नहीं बनेगा सबसे। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। नोट कर लेना सब बच्चे लोग, आइए लेके चलते हैं आपको 14 नंबर क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन बोल के लिखवाना में टाइम हम लोग को ज़्यादा लग जाता है, हिंदी बोलना इंग्लिश बोलना। अब देखो सही बच्चे के पास सीट अगर है तो उसमें समय हम लोग कम लग रहा है, और मैं सीधे क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। अब घर में नोट करते चलना सब क्वेश्चन। तो आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, 14 नंबर क्वेश्चंस, समझ रहे हैं। 14, 3 आदमी ए बी और सी किसी काम को 10, 12, 15, ये तो सिंपल सा चीज है, बस एक लॉजिक आपको दिया हुआ है और उसी लॉजिक पर आपको 4-5 क्वेश्चन आपको सेम बन रहा होगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 फाइव तक आपको सेम क्वेश्चन है, लेकिन आपका सब में कंडीशन यही दिया हुआ है कि ए बी और सी, ए बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 10, 12 और 15 दिन में, ये बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में 14 में कि देखो ए बी और सी बाबू यह काम करता है 10 दिन में, यह करता है 12 दिन में और यह करता है 15 दिन में काम। ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। आप करो क्या, सबसे पहले इसका क्या करना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है। 60 इसका एलसीएम हो गया, 10 6 60, 12 5 60 और 15 6 60, ये निकल गया आपका एलसीएम, और एलसीएम के बाद ये निकल गया क्षमता। बस इतनी सी बात है इस लैंग्वेज से। अब इसके बाद समझिएगा, इसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यह कह रहा है कि यदि कंडीशन यहां दिया हुआ, यदि तीनों एक साथ काम करते हैं, यदि तीनों एक साथ काम करते हैं तो 2 दिन के बाद एक कार्य को छोड़ देता है। क्वेश्चन तो यह हो गया आपका, लेकिन कंडीशन सिर्फ आपको 1, 2, 3, 4, 5 में 5 तरह से कंडीशन आपको चेंज करके क्वेश्चन को दिया गया, लेकिन क्वेश्चन आपका एक ही है, सिर्फ कंडीशन का बदला 1, 2, 3, 4, 5 देख पा रहे बाबू, 5 कंडीशन है और पांचों के समझ लो अच्छा से, पकड़ बन जाएगा आपका इस कॉन्सेप्ट पर। दोस्तों यह कह रहा है कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि तीनों को एक साथ काम शुरू करवा दिए, ए बी और सी। कभी घर में काम लगता है मिस्त्री लोग से या लेबर लोग से काम करवाया, कभी मौका ही नहीं मिला ना, कोई बात नहीं, पैसा कमाओ फिर काम करवाना ना, पहले काम करने के बाद पैसा देना पड़ता है उनका मजदूरी के रूप में। तीनों एक साथ काम करवाते हैं, 2 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 दिन तक ये दोनों साथ में काम किया होगा, बोलिए हाँ ना। उसके बाद ये बोला कि उसके अगले 2 दिन बाद सी भी छोड़ दिया, तो अगले 2 दिन मतलब क्या, अगले 2 दिन बाद यह सी भी छोड़ दिया, अगले 2 दिन के बाद कौन छोड़ दिया, सी छोड़ दिया। तो देखिए यहां पर कौन छोड़ा शुरू में आपका, ए छोड़ा था, तो आगे कौन जाएगा, बी और सी का। अब ये 2 दिन काम किया, अगले 2 दिन सी काम करने के बाद छोड़ दिया, तो नेक्स्ट अगला कौन जाएगा आपका, बी जाएगा, और आगे कुछ नहीं कहा है। फिर सुनना ध्यान से, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, यह कॉन्सेप्ट जो है ना किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली बना पा रहा होगा, समझना ध्यान से। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 2 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, तो 2 दिन के बाद अगर एक काम छोड़ देता है तो 2 दिन मैंने सबको साथ में काम करवा दिया एक साथ। अब 2 दिन काम करने के बाद ये बोलता है कि हम काम पर नहीं जाएंगे, कुछ अर्जेंट कॉल आ गया, हमको घर निकलना पड़ेगा, तो ए तो चला गया, आगे कौन जाएगा, बी चलेगा, बी और सी जा रहा है, तो बी और सी जा रहा, 2 दिन काम करने के बाद सी का भी तबीयत खराब हो गया और ये भी यहां से निकल गया, तो बाकी कौन बचा आपके पास, बी बचा, और बी उस काम को करने के लिए आगे आ रहा होगा। आगे देखिए दोस्तों, तो पूरा काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, तो कुछ नहीं करना है, मैं इसलिए तो निकाल चुका हूँ एफिशिएंसी। अब बताओ कि अगर तीनों साथ मिलकर काम किए हैं, तीनों साथ मिलकर काम किए हैं, तो यह 6 पेज, यह 5 पेज और यह 4 पेज,
तो 6, 5, 11 और 4, 15 ये ना हुआ, यही हुआ। तो 15 पेज अगर टाइप हुआ तो दो दिन में कितना हो जाएगा, 30 पेज टाइप हो चुका होगा। ठीक है, उसके अगले दो दिन तो बी और सी कर रहा था, तो बी और सी की क्षमता कितनी है, 5 और 4, 9। 9 से गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 30 और 18 कितना हो जाएगा, 48। तो 48 अगर काम हो चुका है तो बच्चा कितना होगा, 12। ये 12 पेज टाइप करने के लिए कौन आएगा, बी आएगा। और बी जो है एक दिन में कितना पेज टाइप करता है, 5। तो 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, 12/5। वेरी गुड, समझ रही लड़की। तो 12 को 5 वर्क बाई एफिशिएंसी इक्वल टू क्या, टाइम। तो 5 दोनों के 10, 2/5 दिन। अब आपसे पूछेगा दोस्तों क्या, कि बताइए कि कुल समय कितना लगेगा या उस कार्य को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। दोस्तों यहाँ पर लगा कितना दिन, 2 दिन। यहाँ पर कितना दिन, 2 दिन, 4 दिन। और यहाँ से ये वाला जोड़ दीजिए, तो 2+2+2.5 दिन। तो 2, 2, 4 और 2, 6, 6.5 दिन का समय लगेगा, यह निकलेगा आपका टाइम का। तो एक तरीका तो यह जो मैं शुरुआत से बताते आ रहा हूँ वह पहले आप सीख लो, है ना। एग्जाम में आप किसी भी तरीके से काम करोगे दोस्तों, आंसर शुड नॉट बी चेंज, बस आंसर नहीं बदलना चाहिए, रास्ता कोई भी हो मंजिल आपको सेम रहनी चाहिए। प्लीज इसको नोट कर लेंगे सब बच्चे, समझ रहे रीना, वेरी गुड। निकिता क्लियर हो रही है, आई समझिएगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या कि इसी को एक तरीके से और समझते हैं, आपको दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है ना, इधर हटने के बाद दिखता कि नहीं, दिखता है ना, अच्छा कोई बात नहीं। बोलती है कल से जल्दी आएंगे, उधर ही बैठेंगे अब। मतलब तो आपसे पीछे आई थी, वो कहाँ जगह ले रही हूँ, फ्रंट में है ना। यहाँ तो कोई समस्या किसी बच्चों को है, आगे बढ़े हम लोग, समझ रहे ना। अब समझिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये तो एक तरीका होगा जो मैंने आपको बताया। अब आप लोग कोई दिक्कत समझ आ रहा है सब, एक ही बार में कैसे समझ आता है सब, दोबारा कहीं नहीं पूछता है, कुछ भी नहीं करता है सर ने, बड़ा अच्छा लगता है हमें पता, एक बार में समझ आ रहा मैथ्स तो बड़ा अच्छा चीज़ है ना यार, हाँ जी अच्छी बात है। आप समझे यहाँ पर दोस्तों, कुछ नहीं करना, सिंपली ऐसे देखो आप क्वेश्चन, एक बार बच्चे देखो यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ मेरा वाला, ये वाला है ना। देखिएगा यह कह रहा है कि तीनों एक साथ काम शुरू किया लेकिन 2 दिन के बाद ए छोड़ दिया, तो जो छोड़ के जाएगा काम को माइनस कर दो। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि जो खाना खा कर जाएगा खाना घट जाएगा, खाना खाने से पहले स्टॉप कर देगा आना तो खाना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा मतलब क्या, खाना उसका बच जाएगा तो अन्य व्यक्तियों पर वह हिस्सा आपका बढ़ जाता है, जो मैंने आपको बताया था आपको पिछले वीडियो में। तो देखो तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन के बाद ए कार्य को छोड़ देता है, तो 2 दिन कार्य करने के बाद क्या होगा, जैसे मान लो ऐसे समझो आप कि 10, 12 और 15 एलसीएम कितना हो गया, 60। आप ऐसे समझो कि घर से छठ पूजा में 60 ठेकुआ मामी दी हैं आपको, 60 ठेकुआ समझते हैं ना, हाँ 60 ठेकुआ मिला। अब देखो ए खाएगा तो 10 दिन चलेगा, मतलब क्या हुआ पर डे वह 6 ठेकुआ खाता होगा, यह कितना ठेकुआ खाएगा, 12 दिन में खाएगा, मतलब 5 ठेकुआ खाता होगा, और यह 15 दिन में मतलब 4 ठेकुआ खाता होगा। अब यहाँ पर यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि 2 दिन के बाद ए काम छोड़ दिया, तो 2 दिन के बाद अगर ए को घर जाना पड़ेगा तो क्या बोलेगा, ठेकुआ लेकर चल जाओ, जाने ही नहीं देंगे ठेकुआ, झोले पकड़ लेंगे, बोले खाना जितना खाया खा लो बाकी चल जाओ। तो 2 दिन के बाद वो 2 दिन खाया होगा ठेकुआ, तो 1 दिन में कितना ठेकुआ खा सकता है, 6, 2 दिन में 12 ठेकुआ खत्म कर दिया होगा, तो बचे कितना, 48 ठेकुआ बचेगा। अब झोला लेके जा रहा था, बोलेंगे नहीं नहीं झोला लेके नहीं जाएगा, आपको झोला छोड़ना पड़ेगा, मतलब ठेकुआ आपको रखना पड़ेगा, आपको खाना है बैठ के खाओ, घर लेके जाने के लिए नहीं है। अब ये तो चला गया दोस्त, अगले दो दिन के बाद बी भी चला गया, बी बोला था हाँ, अगले 2 दिन बाद सी भी चला गया, तो सी भी चला गया। अब एक बात बताओ, 2 दिन तो इसके साथ में खाया, 2 दिन और खाया होगा सी, तो 4 दिन में खाया जी, तो 1 दिन में 4 खाएगा तो 4 दिन में कितना खाएगा, 16, या 16 माइनस कर दो, या ए के लिए मैंने माइनस किया और ये सी के लिए माइनस किया,
तो बचा कितना, 8 माइनस 6 2 और 4 माइनस 6 3 32 बचेगा। अब बेचारा 32 जो है अकेले पूरा झोला का ठेकुआ बच गया किसके पास, बी के पास, तो अकेले बच गया था। 8 10 खाएगा नहीं, जितना इसका एफिशिएंसी है उतना ही खाएगा ये ठेकुआ। तो 32 को डिवाइड करो किससे, 5 से। तो 32 को जब 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 6 31 और 2/5 दिन, और यही इसका आंसर। यही आंसर क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो यह शुरुआत में स्टार्ट किया था खाना और काम के अंत जब तक ठेकुआ नहीं हुआ, लास्ट वाला जो धुरकुनी नहीं बचा तब तक वह खाते रहा, है ना, मेरी बात को समझिएगा। तो यहां समझिएगा 32 को मैंने क्या से डिवाइड किया, यह बी की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता कितनी दोस्तों, 5 है। 32/5 अर्थात 6/3 डेज, 6/5 डेज इज द करेक्ट आंसर। इतना दिन आपका टोटल टाइम लगेगा, टोटल टाइम टू कंप्लीट द वर्क, इस काम को पूरा होने में कुल इतना समय आपको लग रहा होगा। तो एक तरीका मैंने आपको शुरुआत में जो बारीकी से समझाया वो चीज भी अच्छा है आपको, और आप थोड़ा समझने में सक्षम हैं और समझ पा रहे हैं। तो देखो दो दिन तक कौन खाया, एक खाया, तो दो दिन में कितना खाया होगा, 12 ठेकुआ खाया होगा, है ना जी, खा के निकल गया। अब उसके दो दिन बाद सी भी छोड़ दिया, इसका मतलब है कि उधर शुरुआत में दो दिन और दो दिन, तो 4 दिन, तो 4 दिन में गुना करो 4 से कितना, 16 ठेकुआ खा लिया, तो बचा कितना, 32। 32 ठेकुआ किसके हिस्से में जाएगा, पूरा का पूरा बी संभाला होगा मोर्चा, नहीं चूंकि बी अकेले है घर में, बी तो कितना खाएगा, 5 ही खाएगा। तो 32 को 5 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 6/5 डेज। ये पूरा काम चलने में आपको इतना समय लगेगा। तो इसलिए चूंकि यहाँ पर आपको बी जो है शुरुआत से काम अंत तक कर रहा है, इसलिए उसमें कोई आवश्यकता नहीं कुछ करने की, बस जो लास्ट काम होगा उसी को बी से डिवाइड कर देंगे 5 से, टोटल आपका निकल जाएगा समय। तो जो भी आपको अच्छा लगा उसको आप देख लीजिए और बनाना क्वेश्चंस को। चलिए अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 2 ये बनाओ तो आप लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब कौन सा, 14 का ही क्वेश्चन नंबर, जो सेकंड जो कंडीशन दिया उसको बनाना आपको। चलिए क्वेश्चन में देखिएगा 2 मतलब सेकंड कंडीशन वाले, मैं इसे मिटा सकता हूं। बना लिया होंगे अब तक आप लोग, वाह वेरी गुड, बहुत सुंदर। मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से, बस थोड़ा सा अगर प्रयास कर दिया जाए, अच्छे से गाइड कर दिया जाए, तो आप खुद बना पा लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसका सेकंड पार्ट यानी सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, ये चीज़ आप सब में कॉमन रहेगी। देखो ए बी और सी, यह जो दिया था 10 दिन, ये 12 और ये 5 सभी के लिए कॉमन है दोस्तों। ये तो 10 12 15 के लिए कितना दोस्तों, एलसीएम 60 हो जाएगा, 10 छक्के और ये 12 25 और ये 15 चौके 60, यही करेंगे हम लोग। तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, आप पहले इसी से सीखो, आप तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, एक एक चीज को सिखा देगा आपको ए बी और सी, ठीक है मेरे भाई। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन के बाद सी छोड़ देता है, 3 दिन के बाद सी छोड़ देता है, तो 3 दिन काम किया होगा। अब बोलेंगे सर 3 दिन के बाद सी छोड़ा होगा ना, तीनों में कहाँ ले लेते हैं, शुरुआत किया है तीनों मिलकर, 3 दिन के बाद छोड़ा है सी, तो इसका मतलब यह होगा कि तीनों साथ में 3 दिन तक काम किए होंगे। उससे अगले एक दिन बाद ए भी छोड़ देता है, तो यहां पर तो सी चला गया, अब यहां से सी नहीं आएगा बाबू आपका, अब आगे कौन आएगा, ए और बी आ रहा था, लेकिन सिर्फ अगले एक दिन काम चला और कौन ड्रॉप कर दिया, ए ड्रॉप कर दिया, तो ए ड्रॉप कर दिया तो आगे कौन आएगा आपका, बी आएगा सिमिलरली, ठीक है मेरे दोस्त। तो पूरा काम कितने समय में समाप्त होगा, पूरा काम, तो एक बात बताइएगा, ए बी सी के लिए 3 दिन का काम, 5 6 5 11 और 4 15 45, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा ए और बी का एक दिन का काम 11 कितना हो जाएगा, 45 और 11 56, बचा कितना आपका, ये 56 कार्य अगर माइनस कर लिए बचा कितना, 4,
और यह चार कार्य को पूरा करने कौन आएगा? बी। और बी की क्षमता कितनी है? पांच। तो 4/5 दिन लगेगा, ठीक है। वर्क बाय एफिशिएंसी को क्या हो जाएगा? टाइम। अब समय निकाल दो आप, टोटल टाइम। तो इधर से 3 दिन, इधर से 1 दिन, और यहां से कितना दिन? 4 आवर। मतलब आप कहना क्या कि 4/5 दिन, और ये इसका आंसर होगा। आप लोग अभी आए होगा इतना ही सर? बहुत अच्छा। लेकिन आप लोग इससे बनाए थे कि उससे बनाए थे? माइनस करता हूँ, इससे बनाए हुए ना, इससे नहीं जा रहे हो क्या आप लोग? जाओ जाओ, बड़ी जरूरी है। हम ऐसे ही नहीं बता रहे रूल, है ना। जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार काम नहीं करता है, और जहाँ तलवार का काम होता है वहाँ सुई काम नहीं आता है। सभी रूल को सीखना जरूरी है। अब क्या लग रहा है, ऐसे ही मजाक में 100 पीस में डाल रहे हैं क्या इसको? इसका जरूरत पड़ेगा आगे? मैं समझ रहा हूँ इसका कहाँ जरूरत पड़ेगा, लेकिन ये आपको इसको अवॉइड नहीं करना, आपको इग्नोर नहीं करना इस कॉन्सेप्ट को। इसका जरूरत है, इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार। मैं दोनों ही कॉन्सेप्ट, मैं एक्स मान के कहीं बनाया अभी तक नहीं बना रहा हूँ, एक्स मान के जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन दोनों में आपको इस रूल के माध्यम से और ये पीछे वाला, सभी क्वेश्चन को इससे नहीं बना सकते हो आप, है ना। जहाँ पर अब देखो, हर एक बॉल को कोई छक्का छक्का नहीं मारता है। कुछ बॉल ऐसे होते हैं जो एक रन भी लेना पड़ता है, कुछ बीट भी करना पड़ता है। जैसा बॉलिंग वैसा बैटिंग होना चाहिए। तो जहाँ जैसा क्वेश्चन वैसे अपने आपको मूवमेंट देनी चाहिए। आइए क्वेश्चन दिखिएगा इसी को एक और तरीके से, जो मैंने आपको बता रहा था। समझिएगा, यहाँ पर ये बोला था क्वेश्चन में क्या कि 3 दिन के बाद सी छोड़ दिया, तो सी छोड़ दिया 3 दिन के बाद ना, तो 4 × 12 माइनस कर दिए होंगे, बच्चा कितना? 48। ऐसे किए होंगे ना आप लोग? वाह वेरी गुड। उसके अगले एक दिन बाद ए भी छोड़ दिया, 3 दिन और 1 दिन 4 दिन, 3 दिन और 1 दिन 4 दिन, 4×6 24, बच्चा कितना? 24। अभी 24 काम कौन करेगा? बी। तो 24/5 कितना आ जाएगा? 5×20, 4/5 यही तो आंसर होगा। ऐसे बनाए थे क्या आप लोग? बहुत सुंदर, अब तेज बच्चा हो गया। आइए एक लास्ट देखो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसको पूरा ख़त्म कर लेते हैं ना। सर तो आ चुके हैं आपका, छोड़ दे क्या? एक काम कर दे, कोई बात नहीं, सर आ चुके हैं आपके स्ट्रेटजी के लिए। तो मैं काम करता हूँ, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ मैं आपको दो बनाने के लिए घर से। बनाएंगे आप लोग? कोई बात नहीं, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, 10 बज जाएगा आपका। तो इसके बाद से देखना क्वेश्चन 15, 16, 17, क्लास अब्सेंट मत करना, चूँकि एक्चुअल क्वेश्चन आपको यहाँ से स्टार्ट होगा 14, 15, 16, 17, समझ रहे ना। तो क्लास मेरी अगली क्लास जब भी होगी, और जब भी क्या होगी मतलब कल तो होगी ना, कल रहेगी। हाँ हाँ जी, मैं करवा उसका थर्ड एंड फोर्थ ना, थर्ड एंड फोर्थ मैं स्किप किया हूँ क्वेश्चन, इसलिए ताकि वो एफिशिएंसी बेस पर है। मैं एफिशिएंसी बेस पर एक साथ क्वेश्चन को मर्ज किया हूँ, लेकिन टाइपिंग थोड़ा सा उसको आगे कर दिया। देखो क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पर ना 36 दिखेगा क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन देखो आप यहाँ पर, इधर आपका एफिशिएंसी बेस्ड दिया हुआ है। ए और बी किसी काम को सी से आधे समय में पूरा करता है, देख रहे ना, जबकि बी और सी उसी काम को ए की तुलना में 1/3 समय पूरा करता है, जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं। तो इस आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको एफिशिएंसी पर चलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर इसके पहले 35, ए बी सी किसी काम को 30 समय पूरा करते हैं, ए और सी की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, दुगुनी है, तीन गुनी है, आधी गुनी है, ये सब के सब आपको एफिशिएंसी पर है। तो घबराना नहीं है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जो हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ आपको, जो भी मेरे को लगेगा इंपॉर्टेंट इसमें, है ना। तो थर्ड फोर्थ जो भी आपका स्किप कर दिया मैं आपको, लेकिन अगली क्लास में आपको एफिशिएंसी बताएंगे, आपको वहाँ पर डिस्कस कर देंगे हम। तो अभी आपको मैं इतना ही छोड़ता हूँ दोस्तों, रिमेनिंग क्वेश्चन जो बच रहा मेरा इस पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर मैं 1 और 2 करवाया हूँ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये आपका काम करना है। और ट्राई करके आना, 15 से आगे जितना बढ़ सकते हो आप कोशिश करके आना बना के, नहीं बनेगा मैं अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा इसको। सीट किसका आपका? ये आराध्य है ना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को पूर्ण विराम देता हूँ, और मिलता हूँ फिर अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।